हेलो क्रिकेट फैंस, इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। रिकी पोंटिंग के बाद अब एंडी फ्लावर ने भी भारतीय टीम की कोचिंग से इनकार कर दिया है। इन दिनों बीसीसीआई अपनी टीम के लिए नए कोच की तलाश में है और इसी सिलसिले में उन्होंने आईपीएल 2024 के दौरान रिकी पोंटिंग से राब्ता किया अपनी टीम की कोचिंग के लिए। तहम उसके बाद साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने भारतीय टीम की कोचिंग से इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पोंटिंग के इनकार के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एंडी फ्लावर से राब्ता किया था और इस हवाले से एंडी फ्लावर ने तस्दीक करते हुए कहा कि वो अभी फिलहाल भारतीय टीम की कोचिंग करने का इरादा नहीं रखते। और इस हवाले से भारतीय मीडिया के मुताबिक एंडी फ्लावर का कहना है कि उन्होंने भारतीय टीम की कोचिंग के लिए अप्लाई नहीं किया था और ना ही वो फिलहाल अप्लाई करने के हवाले से सोच रहे हैं। वो इस वक्त फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ खुश हैं, वो उनके साथ ही रहना चाहते हैं। साबिक क्रिकेटर एंडी फ्लावर पीएसएल 2024 में मुल्तान सुल्तान की कोचिंग कर रहे थे और आईपीएल में आरसीबी की कोचिंग कर रहे थे साल 2024 में। क्रिकेट के हवाले से हर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।